चाहूंगी पहली बार हमने स्वस्थता की ओर कदम उठाया है। Hey guys, welcome back to our channel. तो स्कूल से आ गई और मैं अन्नू को देख रही हूँ। क्या कर रहे हो अन्नू? ऐसे हाँ अन्नू का एग्जाम है तो ये क्या पसारा करके बैठ रहे यार। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, में डिस्टर्ब नहीं करती हूँ तुमको। सो स्कूल से आ गई हूँ मैं, खाना खा लिया है मैंने और अब मुझे कुछ काम से निकलना है, लाइक ड्रेसेस का ऑल्ट्रेशन जो मेरे बर्थडे गिफ्ट्स में लाए, आपने देखा ही तो होगा बर्थडे व्लॉग में मेरे। सो उसमें मुझे ऑल्ट्रेशन फिटिंग थोड़ा बहुत करवाना था तो वो करवाने के लिए मुझे वापस सिटी जाना पड़ेगा। सो वो करवा लेती हूँ मैं और फिर वापस घर आके थोड़ा रेस्ट करूँगी और मामा मामी भी आने वाले हैं शाम में तो फिर डिनर करके वो लोग जाने वाले हैं। सो आगे का अपडेट मैं आपको देती हूँ। और लस्सी इज रेडी फॉर अन्नू एंड अन्नू इज बैक ऑन हिज पोजीशन। अन्नू लस्सी, थैंक यू। बैक वेट, नीचे क्यों बैठ के पढ़ रहे हो तुम? इट फील्स नाइस। ओके चलो ठीक है, एंजॉय योर लस्सी। एक और ग्लास लोगे क्या? नहीं ठीक है। ओके सो मामा मामी आए थे एंड अभी अंश तो सो गया था तो अन्नू ने ले लिया इसको, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट, पिटकुली, पिटकुली फिर ले लिया गया है अंश को एंड अभी कार पे उड़ गया है अंश, पर थोड़ा शांत हो गया है नींद की वजह से, कोई बात नहीं। तो आप ले जाइए, लोग देखना चाह रहे हैं। यस दर्शनीय नहीं है। बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय बाय। अन्नू भी जा रहे हैं? ओके बाय बाय बाय, वेरी गुड, बाय 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 सेशन। अच्छा दोनों भाई बहन है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो मैंने पूछा वो वाले गेट से वो छोटा सा बच्चा ऊपर से चढ़ के आया, कितना टैलेंट भरा है यार बच्चों में, टैलेंट भरा है, गेट फान के भग रहा हो। अरे हाँ यार, वो घर से दूसरे घर में जा रहा था। खैर कोई नहीं, अभी रात हो गई है तो हम लोग जाते हैं और आराम करते हैं और फिर कल मुझको फाइनल पेपर सबमिशन के लिए भी जाना है तो वो वाला काम कर दूंगी एंड देन आई विल बी फ्री। फाइनली जो सच्ची में, कहां से ये टीचर लोग इस तरीके से रहते, पहली बार देख रहा हूँ मैं। नहीं यार, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बड़ी आई थी ना पहली बार, उसका बहुत ज्यादा प्रेशर था और फ्री हो गई हूँ ना अभी, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज रिलैक्स करूंगी, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई विल पैम्पर माई सेल्फ एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। चलो मिलते हैं आपको कल। तो आप वॉकिंग पे नहीं जा रहे हो आज? नहीं 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 मामा, आप तो बोल रहे थे कल वॉकिंग करना जरूरी है, सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो फिर वॉकिंग, मैंने ग्रीन टी नहीं पिया ऐसा वैसा, ग्रीन टी पी ली हूं और अभी चलते हैं वॉकिंग पे, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अभी हम लोग वॉकिंग के लिए निकले हैं और पर देखिए इसको, अभी मना कर रही थी थोड़ी देर पहले वॉकिंग के लिए और कल जो वॉकिंग के लिए चलती चलती बोल रही थी आज मना कर रही थी, अब डर रही है देखो अभी इससे, ये आके अभी सीधा डॉली को मारेगी। मुझे एक, तुम्हारे पीछे रह गया, एक्चुअली मुझे एक वीडियो मिला था जिसमें वो पुलिस वाला खड़े होता और पीछे से वो आकर उसको डैश मार के वो गिर जाता है, तो तब से यार बहुत डर लग रहा है। गाइस हो चुकी है वॉकिंग, अभी हम लोग जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? बचपना सीरियसली मैन, व्हाट। चलो निकलते हैं घर के लिए। तो गाइस गुड आफ्टरनून, स्कूल का काम हो गया है और अभी इतने धूप में, मतलब एक महीने से तो इतनी हाल खराब हो चुके हैं यार, और अभी 45-50 तक चल रहा है यहाँ पे टेम्परेचर और इतने धूप में अभी जाना पड़ रहा है। सो जाते हैं एंड मम्मी को भी पिकअप करना है स्कूल से तो पिकअप कर लेंगे एंड घर आके फिर थोड़ा और बहुत काम है, थोड़ा बहुत तो वो काम कर लेंगे एंड शाम को चौथ भी जाना है तो फिर बता दें। सो जा रहे हैं हम लोग कार से बिकॉज अन्नू ने सुबह ड्रॉप कर दिया था मॉम को, तो अभी आ जाओ
ओके आराम से। ओहो हो भाई, कार से जा रहे हैं इसलिए ना थोड़ा सा रिलीफ है। पार्टी बनती है अन्नू के तरफ से, पार्टी बनती है। को पढ़ाई करना है। हाँ यार, और बोलते हैं ना जब लेट होता है, नहीं मतलब लाइक कोई काम करने के लिए ये करते तो और लेट होता है, तो अभी हमको जाना है यार जल्दी से। और आज के दिन गलत हो गया थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे करेक्शन करते करते आधा घंटा लग गया मुझे यार। चलो ठीक है, अभी निकलते हैं। यस चलो चलो गाइस, यहाँ से मैंने किया है 9:10 और हम लोग वेट कर रहे हैं मम्मी का, और मम्मी कुछ काम में है एक्चुअली, इसलिए फिर रुकना पड़ रहा है। अन्नू कैसा लग रहा है मेरे बचपन के स्कूल में आके? हो घर से बाहर निकलने के बाद पता चलता है कितनी गर्मी यार। गौर से देखिए ये पेड़ को, यही हाँ, वो पेड़ है हाँ, जहाँ पे मैंने डॉली को ब्लैक साड़ी में देखा था। यस टीचर्स डे के दिन। तो टीचर्स डे के दिन अन्नू आए थे स्कूल में एक्चुअली मम्मी को ड्रॉप करने। मम्मी को ड्रॉप करने नहीं, मम्मी कुछ भूल गई थी, वो मैं देने आया था मम्मी को हाँ। और तभी मैंने डॉली को ब्लैक साड़ी में पहली बार देखा था और फिदा हो गए। दैट वाज द डे, दैट वाज द डे। ऐसे तो बचपन से जानता हूँ यस, बट वो ब्लैक साड़ी वाला दिन नहीं भूलूंगा। ओके तभी वेट करते हैं। अन्नू कैसे शर्मा रहे हैं। वेट करते करते मैं एक्चुअली सोच रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि अन्नू नहीं रहते हैं, तो पिछली बार भी ना एक्चुअली जब बलेनो थी तो मैं कार सीखने वाली थी और मेरे को आती भी है, मैंने ड्राइविंग क्लासेस लगाई भी है, बट उसके बाद भी क्या होता है प्रैक्टिस नहीं हो पाती है ना, तो हम लोग चला नहीं पाते, तो इसके वजह से मैंने सिर्फ एक या दो बार मैंने चलाई थी, वो ऑटोमेटिक थी तो वो ईजी थी, बट अब ये है मैनुअल सो क्या हो जाता है गियर एंड इसका प्रॉब्लम आता है, तो लेट्स सी हो पाता है नहीं। अगर अन्नू फ्री रहते हैं तो मैं फिर ड्राइविंग क्लासेस अगेन स्टार्ट कर दूंगी अन्नू के साथ, एंड होपफुली जल्द से जल्द मैं भी सीख जाऊँ। ये एक्चुअली थोड़ी बड़ी गाड़ी है ना, तो मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। क्या झूठ झूठ बताया जा रहा है? अरे झूठ झूठ नहीं, तुम ट्रेनिंग देने वाले हो मुझको अगेन ड्राइविंग लाइसेंस लगाने के बाद भी एक्चुअली अच्छा। मेरे को आता है बट प्रैक्टिस की जरूरत है। एक्चुअली इसने बलेनो सीखी थी, वो ऑटोमेटिक थी, मैं वही बता रही थी कि ऑटोमेटिक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तो अभी इसमें जजमेंट का बड़ा दिक्कत है, बड़ी गाड़ी है बहुत, मेरे को ही दिक्कत हो रही है। अभी प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट है, किसी ने ऐसी नहीं बोल दिया, मैन की वुमेन भी, मैन जस्ट ऐसे लाइक कॉमनली बोल दिया गया है ऐसा, इसने बोला बहुत गलत, क्योंकि वुमेन मैन से कम नहीं होती है, सो इट्स लाइक दैट। सही बात। मैंने पैर रखा था तो मैंने खुद किया साफ, तो अभी डॉली ने रखा था, डॉली ने खुद किया साफ। ऐसा होता है, गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, और मैं वैसे भी थोड़ा साफ सफाई पे ज्यादा ही ध्यान देती हूँ। अच्छा, अन्नू से ज्यादा। मैं गाड़ी की साफ सफाई पे ध्यान देता हूँ। अब अगेन बिग टास्क, पर अभी अन्नू एक्सपर्ट हो गया है ना अन्नू। अरे अन्नू तो भाव ही है यार, थोड़ा रिस्की है ना इसलिए ध्यान नहीं। चलो बढ़िया, ओके वेल डन वेल डन। लाइट क्यों ऑन है यार? लाइट ऑन है, लाइट ऑन है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, पहली बार हमने स्वस्थता की ओर कदम उठाया है कि हम बाहर जाने के बाद भी कुछ खा कर नहीं आए। ऑर्डर हो जाएगा ऑनलाइन? कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये है डाइटिंग हमारी। तो स्वच्छता क्या हो गया इसमें? स्वस्थता। सो आज बहुत ज्यादा हेल्दी खाया जा रहा है। मैंने चावल था तो जीरा राइस बना दिया, दाल था तो दाल तड़का कर दिया। तो दाल तड़का हेल्दी थोड़ी होता? अरे स्टिल बाहर के खाने से। और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, तो ग्रीन टी इज रेडी और मैं पी रही हूँ। फाइनली मूविंग टूवर्ड्स हेल्दी डाइट। मैं गई थी चर्च थोड़ा आराम करने के बाद, और अभी हम लोग पहुँचे हैं।
जाकर हम लोग बनाते हैं खाना और डिनर करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद डिनर बन चुका है, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, अभी डिनर करते हैं और फिर बाद में थोड़ा वॉकिंग का प्लान है, देखते हैं। अनु क्या बोलते हैं, बिजी तो शायद मैं ही चली जाऊँगी, उसके बाद सो जाएंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वॉक में। बाय गाइस।